मुंबई कुर्ला स्थित जरीमरी इलाके में एमआईएम पार्टी की तरफ से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन इमरान कुरैशी ने किया था। बता दें कि इस कैंप में लोगों को चेक करने के लिए सेवन हिल्स अस्पताल के डॉक्टर आए थे। इस कैंप में लगभग 100 से 200 लोगों ने हिस्सा लिया। पेश है नासिर शेख की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला क्षेत्र जरीमरी इलाके में। यहाँ पे एमआईएम के कार्यकर्ता इमरान कुरैशी जी ने मेडिकल का इंतजाम किया है। आइए बात करते हैं इमरान जी से। यहाँ पे आपने मेडिकल का इंतजाम किया है? जी हाँ। कैसा चल रहा है आजकल जो डेंगू का वगैरह का जो क्लाइम मौसम का वायरस चल रहा है वो हिसाब से हम लोग ने एमआईएम पार्टी के सारे हम लोग ने कार्यकर्ता लोग ने सब मिल के यहाँ पे एक प्रोग्राम रखे मेडिकल कैंप का। लोगों की समस्या को देखते जो बेचारे गरीब समाज से है बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे 100-200-500 रुपये लगता है वो कहाँ से बेचारे खर्चा करेंगे। तो ये फ्री कैंप रखा गया है और एक लोगों के कार्य खैर के हिसाब से रखा गया स्वभाव के लिए। और ये हमारी जो एमआईएम पार्टी है हमारे कैद है जो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे मुंबई प्रेसिडेंट शाकिर पटनी साहब उनका सबका ये हमारे लिए ऑर्डर है कि भाई जो भी है अपने हिसाब से कार्य खैर करते जाओ लोगों के लिए जितना काम हो सके उतना करते जाओ। तो मैं सब मिलके काम कर रहे हैं आज। आप वार्ड नंबर 156 जो अब हो चुका है 164 160 एमआईएम की तरफ से क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? अब हम वहाँ पे अपना आधार कार्ड कैंप चालू है और वोटिंग कार्ड का कैंप चालू था जो कि कल आखिरी दिन था वो ख़त्म हो गया है। और अभी हम लोग जो तलाक के ऊपर मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर हम लोगों का सिग्नेचर मुहिम चालू है। और अभी हम लोग फिर यहाँ के बाद हम लोग जो है मेडिकल कैंप वहाँ 164 में लगाने वाले हैं। तो हमारा एमआईएम टीम का काम है कि पब्लिक को सेटिस्फाई करो, पब्लिक का जो डिमांड है पब्लिक जो चाहती है वो हम काम करके देना है। लोगों की तरह अफवाह फैलाना झूठ बोलना झूठे वादे करना ये हमारी पार्टी का कोई काम नहीं। हमारी पार्टी पहले काम करती है उसके बाद बोलती है कि हाँ हमने एमआईएम वालों ने ये काम किया है। अच्छा काम कर रहे हैं। खाली उन्होंने ये अपना मेडिकल कैंप का नहीं किया है, यहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ की आवाम हमारे पास आई जैसे फिरोज भाई है जितने भी लोग हैं अंदर के अपने अजमेरी मस्जिद के कुछ पहचान के लोग थे। इन्होंने बोले कि भाई हम लोग अन्नामलाई के पास बहुत सालों से जा रहे हैं, ये हमारा काम नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ है, गटर खुली है, नाली टूटी हुई है, नमाज की दिक्कत है, जुम्मा की नमाज वहाँ नहीं हो पाती है, ईद की नमाज नहीं हो पाती है, हमारे डर से लोग फंड लेकर बैठ जाते हैं कुछ नहीं करते। तो हमने बोला क्या काम है आप बताइए हमको लिस्ट दीजिए हम इंशाल्लाह करेंगे। इनको हमने वादा किया था कि आपको ईद की नमाज इंशाल्लाह वहाँ पढ़ने होगी आप पढ़ेंगे। हम लोगों ने ईद के एक दिन पहले दो दिन पहले हम लोगों ने पूरा काम करके एक दिन बचा था उसमें झाड़ू पोछा जो भी होना था उन लोगों ने करके ईद की नमाज उसमें मुकम्मल की और आगे इंशाल्लाह वहाँ पे जुम्मा की नमाज भी होगी और थोड़ा मोटा काम है इंशाल्लाह वो भी करेंगे हम लोग। और इमरान की जो कहने की बात है वो लड़का काम कर रहा है, छोटा भाई है मेरा, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा भाई मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई पर इतना मेहनत कर रहा है कि लोगों को जोड़ रहा है। चांदनी वाली में एमआईएम जो आई है इमरान कुरैशी की तरफ से ही आई है जो